ना। तो अब यहाँ पर उसने बोला है कि बीई एंड सी एफ, देखिए बीई एंड सी एफ आर टू इक्वल एल्टीट्यूड्स ऑफ आर ट्राइंगल एबीसी यूजिंग आरएचएस कॉन्वेंसी रूल प्रूव दैट द ट्राइंगल एबीसी इज आइसोसेलस। ठीक है, तो अगर हमें किसी ट्राइंगल को, सुनो बेटा, अगर हमें किसी ट्राइंगल को आइसोसेलस प्रूव करना है, ठीक है, तो उसकी दोनों साइड से उत्तर कर दो, किसी भी दो साइड इक्वल कर दो, या फिर अगर कोई सी दो एंगल इक्वल हो रहे हैं तो इन्हें इक्वल कर दो। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप जो है दो साइड्स को इक्वल कर दो, या किन्हीं भी दो एंगल्स को आप इक्वल कर सकते हो। कटिंग साइड करनी है एंगल अपने आप को। अरे हाँ, अरे मैं बोल रहा हूँ कि दोनों ऑप्शन खुले हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्या सेट करना है। ठीक है, वो ये इसे करेंगे आज। देखिए बी एंड सी एफ आर टू इक्वल एल्टीट्यूड इक्वल ट्राइंगल एबीसी। ओके, तो आपके पास एक ट्राइंगल है, कौन सा एक ट्राइंगल है आपके पास, एबीसी यूजिंग आरएचएस। ओके ओके ओके, सॉरी आरएचएस निकालना है उसमें। ओके यूज, ठीक है, देख सकते हैं क्यों क्या बोले, यूजिंग आरएचएस कॉन्वेंसी रूल प्रूव दैट द ट्रायंगल एबीसी इज आइसोसेलस। ठीक है, अपने यहां पर देखो क्या दिक्कत हो रही है। जब मैंने ये आरएचएस पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि सर आपके राइट एंगल ट्रायंगल होगा, है ना, पर देखते हैं क्या, क्योंकि ये भी आपके बीई और सीएफ क्या है, एल्टीट्यूड्स है, तो नॉर्मल सी बात है बी तो ये रहा, तो एफ कैसे होगा, ई सॉरी ई भी आपका कैसे होगा, होगा नहीं होगा 90, तो इसी को हो सकता है आरएचएस, यही तो बन रहा है आरएचएस, और सीएफ तो सी भी ये है ही, और आपका कहीं एफ का सम होगा, बोला है सुनने, तो जैसे देखते हैं तो क्या होता है। ओके, तो हमें क्या दिखाना है कि ट्रायंगल और एल्टीट्यूड्स इक्वल हैं, उसने बोला हुआ है कि इक्वल एल्टीट्यूड्स। ठीक है, क्या बीई इक्वल टू सीएफ, बीई इक्वल टू सीएल, एल्टीट्यूड्स इक्वल है इसके। ओके, अब हमें प्रूफ करना है, टू प्रूफ हमें क्या प्रूफ करना है कि ट्रायंगल एबीसी इज अ आइसोसेलस ट्रायंगल, समझ रहे, तो दो प्रकार से कर सकते हैं, या तो जो है एबी को एसी कर दो, या फिर जो है एंगल बी को एंगल सी कर दो, मतलब दो एंगल, कोई सी भी दो एंगल और कोई सी भी दो साइड को आप इक्वल करके उसे आइसोसेलस प्रूफ कर सकते हैं, है ना। अच्छा, अब प्रूफ कैसे किया जाए, तुम्हें याद होगा बेटा कॉन्वेंसी रूल अगर लगाना है हमें तो क्या किया जाए इसके लिए, वो कह रहा है कि आरएचएस से करना है इसको, आरएचएस आरएचएस कॉन्वेंसी से करना है। तो एक बार देखते हैं, हम ट्रायंगल को अलग बना देते हैं एक बार, है ना, कुछ ऐसे सही है, एक तो ये हो गया ट्रायंगल, ठीक है, और एक कुछ ऐसे, कुछ ये हो गया ट्रायंगल आपका, है ना। अब देखो एक चीज तो साफ है, 90 एंगल ए एंगल सेम है, पर हमें से करना है आरएचएस से, तो ठीक है, फिर तो हम लेंगे नहीं, अब पता है ना, तो 90 90 ये तो है, और बीई बीई इक्वल टू सीएल ये होगा, ठीक है, और आरएचएस फिर कैसी, हमें हमको चाहिए हाइपोटेन्यूस, तो हाइपोटेन्यूस को इक्वल है ही, हाइपोटेन्यूस इक्वल, हाँ जी नहीं हो पा रहे, आप कहते हैं ना कि आइसोसेलस का है, और वो प्रूफ करना होगा, प्रूफ करना होगा, वो क्या हो सर, इन दोनों को कॉम्प्लीमेंट करके फिर मान सकते हैं, बट उसने आरएचएस से बोला है, यूजिंग आरएचएस कॉन्वेंसी रूल प्रूव दैट द ट्रायंगल एबीसी इज आइसोसेलस, पहले एबीसी सर, पहले और एसी कर लेते हैं, देखो हम प्रूव कर लो, फिर एक साइड की ए, अच्छा काम कर सकते हैं हम, देखो हमें काम कर सकते हैं, पहले इसको ना लेकर के ना हम इनको ले लेते हैं, देखो जो ट्रायंगल जो ट्रायंगल नीचे बन रहा है एफ सी बी और, है ना, क्योंकि मैंने सीधा ए बी ले लिया पूरा, फिर ए सी ले लिया, तो देखो यहाँ पर देखना कि ये हो सकता है कि ये ना एंगल एंगल साइड से हो रहा है, अगर देख देता हूँ, क्योंकि ये एंगल कॉमन आ रहा है, चेक करो एंगल ही वही है और एंगल है वही है, तो कौन फर्क नहीं पड़ रहा है, बट उसने बोला क्या है आर एच एस कॉन्वेंसी से पूछ रहा है आपसे, तो हम एक काम कर सकते हैं, हम ट्राइंगल को अगर लेते हैं, मतलब हम बी ई सी ले लेते हैं, है ना, ट्राइंगल जो है बी ई सी लेते हैं, और फिर कौन सा बी बी एफ सी लेते हैं, ऐसे में क्या होगा 90 90 देखते हैं एंगल उनका तो बराबर हो जा रहा है पर, है ना, तो बाय सिमिलरिटी से हम जो है एंगल बी को एंगल सी कर देंगे, इसमें देखते क्या होता है, इसमें या साइड टू साइड इक्वल लेंगे, इसमें सर ऐसे ये हो सकता है, हां सर इसी में कर सकते हैं, जैसे एंगल एम बना दिया हमने, दोनों में कॉमन आ रहा है वो क्या हमारा एंगल एंगल साइड, फिर हमने ए ई और ए ए ई और हाँ ए एफ को देंगे कॉमन, मतलब सी बी सी टी से फिर हो जाएगा, तो इससे करना है ना,
इसमें लेते हैं, ठीक है। और इसमें लेते हैं बी एफ सी, इसमें लेते हैं, ठीक है। ओके बेटा, इसमें और इसमें लेते हैं, हाँ जी, हाँ। तो यहाँ पर आएंगे उस पर कैसे, या तो यार यार कोई बॉन्ड ऐसा नहीं है ना कि किससे करना है इसको, में कैसे, एक तो 99 तो है ये, ठीक है, बी सी बी सी कॉमन हो रहा है और बी इक्वल टू सी है, ये तो हो रहा है आर एस एस से, तो होते क्या प्रूफ, तो बाय सिंपलिसिटी ये वाला एंगल बी जो पूरा, ये वाला एंगल बी जो पूरा बनेगा बी एफ ये, समझ आ रहा है, ठीक है। तो इसके इस प्रोग्रेस के इक्वल बाय सिंपलिसिटी ये हो जाएगा आर एस एस, समझ आ गया ना, ये इससे हो जाएगा। मैं कह रहा था कि जैसे हम ए बी सी ई और ए एफ सी को कर देते एंगल ए लेके, हां फिर हम बड़े एंगल ए से लेना ही है ना, हमको तो क्या बोल रहा है ये नहीं पढ़ा, तो ये आपका ट्राइंगल एबीसी क्या बन गया, क्या हो गया, ये हो गया ना, तो बस मैं क्या बोल रहा हूँ, तो उसने इतना लेकिन उसने बोला क्या, तो बस पर इसे भी आपको तो दोबारा नहीं, इससे पूरा हो जाएगा प्रूफ। मैंने क्या बोला, या तो दो साइड पर पढ़ दो, हाँ, या एंगल पर पढ़ दो, यहाँ पर एंगल से जाएगा, ठीक है ना, समझा क्या, इसे यहाँ पे ये एंगल सी एंगल भी पूरा जाएगा। सर इसमें हाइपोटेन्यूज कौन सी, बी सी, 90 के 90 के सामने होता है हाइपोटेन्यूज, समझा क्या, बड़े क्या बोला मैंने। ओके तो इसे शुरू करते हैं, फिर हम एंगल को इक्वल भी कर रहे हैं, जब सारी साइड आ जा रही है, इक्वल आर आर मिल रहा है, एच मिल रहा है, एच मिल रहा है, इसमें सब साइड इक्वल है, नहीं इसे 90 है, एच बी है, और साइड आर एच एस हो तो गया, हो गया ना, अभी की एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, तो बाय सिमेट्री होगा ना, मुझे लगता है तब तो ये आईसी चैनल को होगा, समझ गया, हम ये हम लिख पड़ो ना, हां बी इसमें आर एस इसमें आ रहा है, जब मैं बी को टू सी को दूंगा तब आई टू, ठीक है ना, बस अच्छा तो इसमें लेते हैं ना, तो इन ट्रायंगल बी ई सी एंड ट्रायंगल बी एफ सी, समझ आ रहा है ना, तो दिखा दो सारे चीज से एंगल, क्या होगा एंगल ए, एंगल ई इक्वल टू एंगल एफ 90 डिग्री ई का है, इसके अलावा हाइपोटेनियस कौन सा होगा, देखो बीसी, समझ आ गया, 90 के ठीक अपोजिट साइड होती है हाइपोटेनियस, कॉमन, हां बीसी इक्वल टू बीसी क्या हाइपोटेनियस, यहाँ पर आप कॉमन मत लिखना, हाइपोटेनियस आरएचएस दिखाना आपको, ये ठीक है, हाँ पर वो तो दिखा सकते हो, इसके अलावा उसने बोला हुआ है कोई भी एक साइड बी इक्वल टू सी एफ, बस नहीं ये गिवन हो गया, बी इक्वल टू सी एफ गिवन है बेटा, में तो मीन्स ट्रायंगल बी ई सी क्या कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी एफ सी बाय आर एच एस। अब सुनो जो पॉइंट देखना आप क्या होगा, अब जो ये वाला एंगल जो है सी वाला एंगल ये पूरा आ रहा है, ये पूरा बन रहा है, चेक करो एंगल सी पूरा बन रहा है कैसे, देखो बी सी ई ये पूरा बन रहा है और ये एंगल भी पूरा बन रहा है, ये एंगल सी नहीं, ये नहीं बोल रहे कट गया, ये तो कट गया सर, ये वाला ये बी बनना पूरा, देखो एफ बी सी पूरा बन रहा है, तो बाय सिंपलिसिटी अभी हमें इस ट्रायंगल को क्या दिखाना है, हमको दिखाना है आइसोसेलेस, तो जो है क्या होगा यहाँ पर क्या एंगल बी इक्वल टू एंगल सी बाय सी बी सी डी, हो गया प्रूफ, सो ट्रायंगल एबीसी, सो ट्रायंगल एबीसी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है करो, हो गया उससे।
ट्रायंगल एबी इक्वल टू बीसी और उसमें बोल दिया है इसमें, हाँ देखो बेटा उसने इसमें बोल दिया है कि एबीसी क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है, और उसने एबी इक्वल टू बीसी बोल दिया है। ऊपर देखिए जरा, ये एक एबीसी आइसोसेलेस ट्रायंगल है और इसने क्या बोला है कि एबी जो है बीसी के बराबर है, ड्रॉ एपी परपेंडिकुलर बीसी, ए तो ये रहा तो कुछ ऐसे ही बनने वाला है ये, है बेटा, किस पे बीसी बनेगा परपेंडिकुलर, ठीक है, तो टू शो दैट एंगल बी इक्वल टू एंगल सी हमें ये दिखाना है, जस्ट ए बी इक्वल टू एसी है, हां तो ए इक्वल टू हमने बीसी दिखाया है, तो परपेंडिकुलर बनेगा और एपी इक्वल टू, ओ ओ ओ, इस लड़की ने पहली बात किया कभी बात, तो हम लोग देखता है अपना गलत लिख रहा है और हाँ देखो बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ परसों कि ये साइड इसके इक्वल है, तो अब इसके जो कॉमन पॉइंट ए हो गया ना, दोनों का क्या मिल रही है, दोनों साइड ए बी और ए सी इक्वल है, दोनों का मिल रही है, मिल रही है पॉइंट ए पे, यानी कि ए के एन के लिए, ए के लिए कॉमन पॉइंट है, ए के एन के लिए कॉमन पॉइंट है, तो जब ए के लिए कॉमन पॉइंट होगा तो मतलब यहां से जो आपकी लाइन पड़ेगी उसको बोलेंगे परपेंडिकुलर, उस तरह से बोला भी ये 90 और ये इसके इक्वल भी से होगा, क्यों, क्योंकि ये और ये इक्वल है, बस ना, ओके चलिए, जब ये साइड इक्वल हो गई तो ए पर हो सकता है पर भी ना, हां चलो अब और भी, तो यहाँ पर गिवन क्या हुआ आपका, यहाँ पर आपका गिवन हमें दे रखा उसने कि ए बी इक्वल टू ए सी दे रखा है, और बड़े क्या शो करना है हमको, यहाँ पर शो करना है एंगल बी इक्वल टू एंगल सी दिखाना है, हाँ हो सकता है दिखा देना, 90 इस तरफ भी होगा, 90 इस तरफ भी होगा, पूरा 90 होता है, पूरा 90 होता है, ठीक है बेटा, ओके तो अब उसको प्रूव करते हैं हम, तो देखते हैं किस पे ले लोगा, क्योंकि देखो ट्रायंगल हमें एंगल बी एंगल सी दिखाना है, तो एक इस पे ले लेते हैं, एक इस पे लेते हैं, है ना, तो ठीक है, तो अलग करना पड़ेगा, हो जाएगा, हो जाएगा, इन ट्रायंगल एबीपी एंड ट्रायंगल एपीसी हम ले रहे हैं, ट्रायंगल एबीपी में और ट्रायंगल एपीसी में ले रहे हैं, तो पहले बात तो क्या, एबी इक्वल टू एपी, एबी इक्वल टू एसी हमें गिवन है, इसको एबीडी भी लिख सकते हैं, एंगल को ट्रायंगल, हाँ फर्स्ट, और दूसरा एंगल एबीपी, एंगल ले लो कि साइड ले लो, नहीं तो प्रूफ करना, सॉरी एपी एपी कॉमन, एपी एपी कॉमन, ये कॉमन है आपके पास, इसके अलावा 90 तो सीक्वेंस का बन रहा, साइड साइड एंगल साइड, तो साइड 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 लेना ना, मतलब वो बन रहा वो आ रहा है, वो सीक्वेंस ही बन रहा उसमें, तो अब किससे कि ट्रायंगल एबीपी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एपीसी बाय सर एबीसी को हाइपोटेन्यूज साइड, मैं आपको कह रहा हूँ आरएसी हो जाएगा, हो गया, तो मतलब क्या एंगल बी इक्वल टू एंगल सी बाय सी पे सी बी, बस हो गया प्रूफ, ठीक है, और अब